याज पनी जा जा भूल पनी जा जा और खिंदने जाला। नमस्कार, पहलाग न्यूज 31 उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नैना। उत्तराखंड में वैसे तो कई प्रसिद्ध कलाकार हैं जो अपनी आवाज से दुनिया को मदहोश कर देते हैं, लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि उत्तराखंड की पहली महिला गायिका कौन है? अगर नहीं तो चलिए हम आपको बताते हैं। बता दें कि गायिका कबूतरी देवी उत्तराखंड की पहली लोक गायिका थी। उन्होंने उत्तराखंड के लोकगीतों को आकाशवाणी और प्रतिष्ठित मंचों के माध्यम से प्रसारित किया था। 70 के दशक में उन्होंने रेडियो जगत में अपने लोकगीतों को नई पहचान दिलाई। उन्होंने आकाशवाणी के लिए लगभग 100 से ज्यादा गीत गाए। कुमाऊं कोकिला के नाम से प्रसिद्ध कबूतरी देवी राष्ट्रपति पुरस्कार से भी सम्मानित है। कबूतरी देवी का जन्म 1945 में चंपावत जिले के एक मिरासी परिवार में हुआ था। लोक गायन की प्रारंभिक शिक्षा इन्होंने अपने पिता से ली थी। पहाड़ी गीतों में प्रयुक्त होने वाले रागों का निरंतर अभ्यास करने के कारण इनकी शैली अन्य गायिकाओं से अलग है। विवाह के बाद इनके पति श्री देवानी राम जी ने इनकी प्रतिभा को पहचाना और इन्हें आकाशवाणी और स्थानीय मेलों में गाने के लिए प्रेरित किया। उस समय तक कोई भी महिला आकाशवाणी के लिए नहीं गाती थी। उन्होंने पहली बार उत्तराखंड के लोकगीतों को आकाशवाणी और प्रतिष्ठित मंचों के माध्यम से प्रसारित किया। 70 से 80 के दशक में नजीबाबाद और लखनऊ आकाशवाणी से प्रसारित कुमाऊनी गीतों के कार्यक्रम से उनकी ख्याति बढ़ी। उन्होंने पर्वतीय लोक संगीत को अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक पहुंचाया था। 5 जुलाई 2018 को अस्थमा और हार्ट अटैक की दिक्कत के बाद रात्रि 1 बजे कबूतरी देवी को पिथौरागढ़ के जिला अस्पताल में दाखिल करवाया गया था। उनकी बिगड़ती हालत को देखकर 6 जुलाई को डॉक्टरों ने देहरादून हायर सेंटर रेफर कर दिया था, लेकिन धारचूला से हवाई पट्टी पर हेलीकॉप्टर के ना पहुंच पाने के कारण वो इलाज के लिए हायर सेंटर नहीं जा पाई। इस दौरान उनकी हालत बिगड़ गई और उन्हें वापस जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसके बाद अगले दिन सुबह 10:24 पर उनका निधन हो गया। जा जा,